बिजली बिल नहीं भरा है तो तुरंत भरें, नहीं तो रात 9:30 बजे आपकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका एटीएम बैंक अकाउंट लैप्स हो रहा है, अपना पासवर्ड या ओटीपी बताएं। ऐसे अनेक मैसेज आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या मोबाइल पर अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजकर आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहने की अपील सावनेर के थानेदार मारुति मुलुक ने आम जनता से की है। हमारे स्थानिक संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं होना अब आम बात हो रही है। थोड़ी से लालच या नासमझी से हमें लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी बिजली बिल तो कभी ज्यादा लालच के चक्कर में ये शातिर अपराधी मात्र 2-4 रुपए उनके खातों में ऑनलाइन भेजने को कह उसका ओटीपी मांग कर आपको कुछ समझने से पहले ही आपके पसीने की कमाई उड़ा ले जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन व्यवहार करते वक्त सावधानी बरते, किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन व्यवहार करते वक्त पहले सुनिश्चित करें फिर व्यवहार करें। बढ़ते साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। ऐसे अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करें, खुद भी ऑनलाइन ठगी से बचें और औरों को भी सतर्क कर पुलिस प्रशासन की मदद करें। ऐसा अनुरोध आम जनता से सावनेर थानेदार मारुति मुलुक ने किया है। सध्या साइबर गुन्ह्यांचं प्रमाण महाराष्ट्रातच नाही तर पूर्ण भारतात खूप प्रमाणात वाढलेलं आहे आणि याला सर्वशी बहुतेक बऱ्याच वेळेला जबाबदार आपण स्वतः असतो। बऱ्याच वेळेला आपल्याला एखादी मेसेज येतो की तुम्हाला 25 लाखाची लॉटरी लागली आहे किंवा एखादं लाईट बिल तुमचं असं असं थकलेलं आहे ते भरा। त्याच्यानंतर कोण बनेगा करोडपती म्हणून आपण बोलतो, एखादा व्हॉट्सअप कॉल येतो किंवा इतर कॉल त्या पद्धतीचे येतात, अशा लालचेला आपण फसून बऱ्याच वेळा स्वतःचीच आपण फसवणूक करतो। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।